अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। वेलकम टू एस जे एम एस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल एंड एंग्लो उर्दू इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाउ आर यू बॉयज़? होप यू ऑल आर वेल एंड फिट। टुडे वी विल स्टार्ट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस। ओके, लास्ट टाइम पर हम सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस देख गए थे। इन दिस क्लास वी लर्न कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंसेस। ओके, सो व्हाट्स द कंटिन्यूस टेंस? कंटिन्यूस का मीनिंग होता है कोई भी एक्शन कंटिन्यू होना। ओके, एट द टाइम वी कैन से दैट इट्स कंटिन्यूअस एक्शन। सो हाउ वी आइडेंटिफाइड कंटिन्यूअस एक्शंस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? सो द वर्ब इन अ कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन ऑनगोइंग और एन इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब है वो हमें बताता है कि जो भी एक्शन है वो ऑनगोइंग है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। हो गई है, पास्ट में हो रही थी, प्रेजेंट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही होगी। ओके, सो एक्शन जब कंटिन्यूअस हो एट दैट टाइम वर्ब इंडिकेट अस दैट इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस। सी सब एग्जाम्पल हियर, मुकेश वॉज स्पीकिंग चेयरफुली। पास्ट के अंदर कोई इंसिडेंट हो रहा है उसको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या वेर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू पुट वॉज और वेर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, दिस आईएनजी वर्ब फॉर्म इंडिकेट्स अस दैट द इंसिडेंट कंटिन्यूअस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, द प्लेन विल बी फ्लाइंग ऑन शेड्यूल। ओके, प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है या फ्लाइट जो है वो शेड्यूल पर ही जाएगी फ्यूचर में। फ्यूचर में वो काम परफेक्ट होने वाला ही है, ऑनगोइंग होगा। ओके, इन प्रेजेंट टेंस नंदू एंड संदीप आर टाइपिंग वेरी फास्ट। नंदू और संदीप अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में? कौन सी ऑनगोइंग एक्शन चल रही है? लोग टाइपिंग कर रहे हैं और वेरी फास्ट। सो इन पास्ट टेंस द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर और वेर, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो वेर यूज़ करेंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी हैव टू पुट एम इज आर प्लस आईएनजी वर्ब। ओके, एंड इन फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो इसी तरह ये तीनों टेंसेस बहुत इजी है। पास्ट और प्रेजेंट में सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है वो रखने हैं। वॉज एंड वेर इज अ पास्ट हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर इज अ प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड इसी तरह फ्यूचर के अंदर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, हमें विल बी रखकर आईएनजी वाला जो वर्ब वाला जो फॉर्म है वो रखना है। ओके,
In the continuous tense, the main verb has an ing form. For example, play, playing, cry, crying, sleep, sleeping, jump, jumping, eat, eating. ओके कंटिन्यूअस टेंस में हमें कंपलसरी आईएनजी वर्ब का जो फॉर्म है वही रखना है. कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर हम सिर्फ अभी मैं एग्जांपल पढ़ रही हूँ. मुकेश वाज स्पीकिंग चीयरफुली, नंदू एंड संदीप आर टाइपिंग वेरी फास्ट एंड द प्लेन विल बी फ्लाइंग ऑन शेड्यूल. सो हियर इन दिस सेंटेंसेज मुकेश वाज स्पीकिंग चीयरफुली, सो हियर वाज इज अ हेल्पिंग वर्ब, स्पीक is a main verb and we add ing into speak verb. Nandu and Sandeep are typing very fast. So here are is a helping verb. Type is a main verb and we put ing into the main verb. The plane will be flying on schedule. So will be is a helping verb and fly is a main verb and we put ing along with the fly. Okay, so हमें helping verb plus ing verb रखना है continuous tense में according to tense. अगर past tense होगा तो subject according was or were plus ing verb. Present tense होगा तो am is are according to subject plus ing verb. And in future simply will be plus ing form of verb. Okay, देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में तीन रख रहे हैं. अगर सिंगुलर पर्सन है, कोई लड़की है या बॉय है या गर्ल है, तो एट द टाइम वी पुट इज अ प्लेइंग. इफ वी हैव द वी, यू, दे और सम मोर देन वन पर्सन, एट द टाइम वी पुट आर. एंड व्हेन वी यूज आई एज अ सब्जेक्ट वी पुट एम प्लस एंज. ओके, सो इज प्लेइंग, आर प्लेइंग और एम प्लेइंग. Okay, now come to the another topic, perfect tense, present, past and future. Perfect tenses show actions already completed or completely done in the past. Okay, perfect tenses kya hai? Particular tense mein jab koi action already complete ho chuki hai ya past mein complete ho chuki hai या अभी भी कंप्लीट हो चुकी है, उसको परफेक्ट टेंसेस बोलेंगे. ओके, सो सिंपल, व्हाट्स अ सिंपल परफेक्ट टेंसेस? दिस टेंसेस आर इजी टू आइडेंटिफाई एज द वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ हैज, हैव और हैड इज हेल्पिंग वर्ब्स. जिस तरह कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वेयर, इज, एम, आर एंड विल बी इज अ हेल्पिंग वर्ब and it's compulsory, same as in a simple perfect tense we have the helping verbs like has, have and had with a verb in past participles form. And hame verb hai pan past participle form mein rakhne. For example, has finished, had forgotten, have done. Okay, has, have, had plus past participle. A simple perfect tense have a three kinds: perfect, present perfect, past perfect and future perfect. Okay, so what's in the present perfect tenses? We use the present perfect tenses to talk about an action that was completed at an unspecified or identified time in the past. Okay, past ke andar koi kaam complete ho gaya hai pan time कोई बराबर नहीं है, unspecified है. At the time we use the present perfect tenses. या present में थोड़ी ही देर पहले, बिफोर सम टाइम, हमने कोई वर्क डन किया है, एट द टाइम वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इट्स अ हैज़ और हैव, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट. वी पुट हैज़ व्हेन वी हैव द सिंगुलर थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर अ नाउन, एंड हैव व्हेन वी हैव द आई एज अ सब्जेक्ट, वी, you, they and plural person plus past participle form of the verb. Okay, I have forgotten your book. Okay, past participle rakhna hai, simple form nahi rakhna. Okay, present perfect tenses ka ek ab ye dekh lenge ki has, have plus past participle form of the verb. So what's the, so past participle form, so I have, I ke sath basically hum have rakhenge because it's a first person. I have seen, see, show and seen.
okay? So I have seen this movie earlier, okay? So now come to the past perfect tense. We use the past perfect tense to talk about an action that took place in the past before a specific point of time or another past action. पास्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम में या कोई कोई परफेक्ट एक्शन की है पास्ट में, तब ये काम कंप्लीट हो चुका है. यानी पैरेलली पास्ट के अंदर एक काम कंप्लीट हुआ और एक काम कंटिन्यूअस है. एट द टाइम वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. और द स्पेसिफिक टाइम में जब काम कंप्लीट हुआ है, एट द टाइम वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हाट्स द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? सो सिंपली हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. लेट्स सी द example. Past perfect tense is had plus past participle. In perfect tense, have or has depends on subject plus past participle, and in past perfect tense we use had plus past participle. I had seen this movie before it was released in India. So it was one continuous matter. It was released in India. And the second is I had seen this movie. ओके, सो मैंने ये इंडिया में जब ये मूवी रिलीज हो रही थी तब ऑलरेडी मैंने ये देख ली थी. ओके, सो एक क्या हुई, एक एक्शन कंप्लीट हो गई है और एक एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूस में चल रही है. ओके ओके, सो द थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर बिफोर अ सर्टेन पॉइंट और टाइम और अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर के अंदर एक परफेक्ट एक्शन हो गई होगी तब दूसरी हो रही होगी कंप्लीट. एट दैट टाइम वी यूज परफेक्ट टेंस. या तो फिर सर्टेन पॉइंट के पहले, फ्यूचर में कोई परफेक्ट पॉइंट है उसके पहले अगर हो रही होगी तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. यहाँ पर याद रखना है will have plus past participle ये formation है. For example, will have plus past participle. So I will have seen this movie by the time it is released in India. Okay? So यहाँ पर तीन हमारे जो tenses है वो complete हुए हैं. Simple जो last session में हम कर गए, आज देख गए continuous and perfect. इसमें जो फॉर्मेशन है, जितना भी स्लाइड्स में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपको आपकी बुक में लिखने हैं. ओके फ्रेंड्स, आई लव दिस.